फ्रेंड्स, कलाकृति क्रिएशंस आशा की ओर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस कोरोना पीरियड में जो सबसे अहम चीज़ है वो है हमारा फेस मास्क। तो आज हम आप लोगों के लिए इसी फेस मास्क की वीडियो लेके आए हैं और आगे आने वाली वीडियोस में हम कोरोना से रिलेटेड प्रिकॉशनरी प्रोडक्ट्स की पूरी वीडियो सीरीज तैयार कर रहे हैं और इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के मास्क, ग्लव्स, शील्ड मास्क, कैप्स एक्सेट्रा। लेकिन आज हम आप लोगों को सबसे पहले सिखाएंगे ये डबल साइडेड मास्क, जिसको बनाना बेहद आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दो फैब्रिक्स की ज़रूरत है, 9x7 inches के और दो इलास्टिक 7 inches लेंथ की। सबसे पहले हमें इसमें इलास्टिक को अटैच करना है, जो कि सीधे पार्ट पर हम 1 centimeter डिस्टेंस पर पिनअप कर लेंगे इलास्टिक को, और इसी तरीके से दूसरे कॉर्नर पर भी हम पिनअप कर लेंगे। सेम यही प्रोसेस अपोजिट साइड पर भी करना है। अब दूसरे फैब्रिक का सीधा पार्ट उस सीधे पार्ट पर इस तरीके से रख कर पिनअप कर लेना है और उस पर हमें स्टिचिंग करनी है, जिसमें हम थोड़ा सा पार्ट छोड़ देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टिचिंग कर ली है और हमने इतना पार्ट अनस्टिच छोड़ दिया है, जिससे हम इसे सीधा करेंगे। पहले हम इसको कॉर्नर्स को कट कर लेते हैं, जिससे सीधा करना आसान हो जाएगा। अब हम इसे आसानी से सीधा कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सीधा करने के बाद ये इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हम इसे आयरन करते हैं। आयरन करना इसका मेन प्रोसेस का मेन पार्ट है। अब हम इसको जो ओपन वाला पार्ट है, इस पर भी हम आयरन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको मिडल में से इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो क्रीज बन जाएगी। थोड़ी सी टिप्स एंड टेक्निक से ये आसानी से बनाया जा सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और क्रीज हमें चाहिए, तो उसके लिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तीनों क्रीज हमारी आसानी से बन जाएंगी। ये देखिए कितनी आसानी से अब हमें इसमें क्रीज बन गई, जिनसे हम आसानी से प्लेट्स बना सकते हैं। और अच्छे से करने के लिए हम इसको पिनअप कर लेते हैं और चारों तरफ स्टिचिंग कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मास्क बन गया है और हमें इसे बनाने में हार्डली 5 minutes का टाइम लगा है। मार्केट में भी इस तरह के मास्क की बहुत डिमांड है, तो अगर आप कोई मास्क मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी मेरी ये सीरीज आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इंजॉय कीजिए कलाकृति केंद्र के कुछ रैंडम क्लिक्स, और हमेशा आगे बढ़ते रहिए आशा की ओर।